मॉनसून को समझने के दौरान हमने देखा कि इसकी कमी या अधिकता से धरती पर किस तरह के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। मॉनसून के दौरान बाढ़ एक आम घटना है। असम और बिहार जैसे कुछ राज्यों में ये लगभग हर साल मौत और विनाश की वजह बनती है। और कुछ वर्ष ऐसे भी होते हैं जब नुकसान काफी बड़े स्तर पर होता है, जैसे 2013 में उत्तराखंड की बारिश। बारिश के कारण सड़कें और पुल बह गए, भूस्खलनों से गांव के गांव, घर और कई समुदाय नष्ट हो गए। एक समुदाय पर तो इसका भारी असर पड़ा। ये लगभग 75,000 श्रद्धालुओं का जत्था था जो केदारनाथ की यात्रा पर था। भारी बारिश के कारण ग्लॉफ हो सकता है। ये ग्लेशियर झील के टूटने से आने वाली विनाशकारी बाढ़ है। केदारनाथ के ऊपर स्थित चोरोबारी ताल वाली ग्लेशियल झील के साथ भी यही हुआ था। झील के किनारे टूट गए जिससे पूरे क्षेत्र में जबरदस्त जल प्रवाह आया। ग्लॉफ में दशकों तक संग्रहित अरबों घन मीटर ग्लेशियल का पानी कुछ ही मिनटों में बाढ़ लाने में सक्षम है। इससे निचले इलाकों के लोगों को कोई पूर्व चेतावनी नहीं मिल पाती। इन सब का इंसानों और संपत्ति पर भारी असर पड़ता है। उस घटना में 10,000 से अधिक लोग मारे गए और 5,000 लापता हो गए। बीमा कंपनियों ने 2,500 करोड़ से अधिक की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया। अच्छी बात ये रही कि आपदा प्रबंधन तुरंत सक्रिय हो गया। NDRF यानी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने प्रभावित क्षेत्रों में 14 टीमें भेजी। इसके अलावा सेना, वायुसेना, नागरिक समाज संगठनों और कई अन्य निकायों ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर बचाव और राहत अभियान के लिए काम किया। ये समझना महत्वपूर्ण है कि प्राकृतिक से अधिक ये त्रासदी मानव निर्मित थी। अंधाधुंध शहरीकरण, बांधों और सड़कों के अनियंत्रित विकास से हमारे देश के कई क्षेत्र पारिस्थितिक लिहाज से संवेदनशील बन गए हैं। वर्ष 2015 में चेन्नई में आई बाढ़ के पीछे भी यही कारण था। ये शहर इस कदर डूब गया कि आवागमन के लिए नावों का उपयोग किया गया। उस वर्ष बारिश बहुत अधिक हुई थी, लेकिन विशेषज्ञों का मानना था कि यह बिना सोचे समझे अंधाधुंध निर्माण कार्यों का नतीजा था जिससे भारी नुकसान हुआ। पिछले 4 दशकों में चेन्नई के शहरीकरण में लगभग 20 गुना वृद्धि हुई है। शहर में गीले मैदानों और प्राकृतिक चैनलों का अभाव हो गया जिससे समतल क्षेत्र में बसे शहर का अतिरिक्त पानी बाहर निकाला जाता था। ऐसे ही कुछ और कारण हैं। शहर का हवाई अड्डा आड्यार नदी में आने वाली बाढ़ के इलाके में बना है। बाढ़ प्रभावित कोयम्बेडू में एक विशाल बस टर्मिनल बनाया गया है। पूरी बकिंगहम नहर पर एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाया गया है और ऑटोमोबाइल और दूरसंचार के लिए नया औद्योगिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण जल निकासी क्षेत्र और कैचमेंट पर बना है। इन वजहों से मानसून से निपटने की शहर की प्राकृतिक व्यवस्था नष्ट हो गई है। वर्ष 2015 में आई बाढ़ को टाला जा सकता था जो वास्तव में गैर जिम्मेदार शहरी नियोजन के कारण आई थी। और हाल के वर्षों में केरल, कश्मीर और मुंबई में आई बाढ़ के लिए भी यही कारक जिम्मेदार है और ये सिलसिला जारी है।